यहाँ से बस 20 किलोमीटर है दार्जिलिंग, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था तो हमने सोचा थोड़ा रुक के फोटो सेशन किया जाए और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊं। जस्ट बिगनिंग ऑफ दार्जिलिंग। मैं पहुंच चुका हूं दार्जिलिंग होटल में, चेक इन कर लिया है। यहाँ का ना रूम का व्यू बहुत अच्छा है, आपको दिखाता हूँ। ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये होटल के टेरेस से व्यू है। दार्जिलिंग एक्चुअली इस व्यू वाइज बहुत अच्छा है, व्यू यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी चेक इन कर चुके हैं होटल में ऑलरेडी, मेरे रूम से भी ऑलमोस्ट यही व्यू दिखता है। तो चेक इन कर चुका हूँ, चेक इन करने के बाद अब हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे जापनीज़ टेम्पल जाने के लिए और माल रोड वगैरह कवर करने के लिए। यहाँ पे एक ही दिन का स्टे है मेरा, ज़्यादा दिन का स्टे नहीं रखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बैक टू दिल्ली भी जाना है। यहाँ से अभी मालदा टाउन जाना है, देन वहाँ से दो दिन के स्टे के बाद मेरे को दिल्ली वापस जाना है। एंड बाई रोड आए हैं, बाई रोड जाना है तो दो दिन दिल्ली पहुँचने में भी लगेगा। सो इसलिए ज़्यादा दिन का स्टे नहीं है, एक ही दिन का स्टे है। वो दूर जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है, दिख रहा है बर्फ़ जो जमी हुई है, एक्चुअली दैट इज़ इन नेपाल, वो नेपाल के पहाड़ है। सो अभी जापनीज़ टेम्पल वगैरह देखने जाएंगे, काफ़ी अच्छी जगह, देखते हैं। लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बंद है, मोनेस्ट्री वगैरह यहाँ के भी अभी क्लोज है। कल कोशिश करूँगा मैं टॉय ट्रेन के लिए, देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता टॉय ट्रेन। तो हेलो, अभी हम जा रहे हैं जापनीज़ टेम्पल। दार्जिलिंग में यहाँ पे थोड़ा सा फेमस है, लोकल टूरिस्ट पॉइंट है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। गैंगटॉक से हम मॉर्निंग में निकल गए थे आफ्टर चेकआउट, क्योंकि गैंगटॉक में जो कुछ कुछ पॉइंट थे, मेन जो पॉइंट थे वो अभी बंद पड़े थे, तो इसलिए वो पॉइंट हम कवर नहीं कर पाए। जैसे कि नथुला पास बंद था, लाचुंग बंद है, फिर मोनेस्ट्री वगैरह बंद है। लेकिन गैंगटॉक के अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो गैंगटॉक के जो लोग हैं वो बहुत पोलाइट है, वो काफ़ी अच्छा लगा। नहीं कुछ भी चीज़ उनसे पूछो तो वो अच्छा था। प्लस वहाँ पे जो फूड वगैरह था ना, वो फूड भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस था। एंड वहाँ पे जो एमजी मार्केट है, एमजी मार्केट में एक यामा की बिल्डिंग है, यामा नाम से बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ना दो तीन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप थाली के हिसाब से खाना खा सकते हो। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये की थाली ली तो 100 रुपये की थाली में आपको दो तीन आइटमें मिलते हैं, प्लस आपको अनलिमिटेड फूड मिलता है, जब तक आप पेट नहीं भर जाता आपका आप खा सकते हो। तो जो लोग पर खाना इतना टेस्टी नहीं है, ओके है, मींस हाँ, खाना खाने का टेस्ट थोड़ा एवरेज था बट अनलिमिटेड फूड था वो, सो वो अच्छी चीज़ थी। एंड गाइस आपने नोटिस किया आज हम दोनों एक ही जैसे कलर के ड्रेसेस में हैं, मैचिंग है। दार्जिलिंग का जो व्यू है वो गैंगटॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है, मतलब पर्सनली मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा ओवरऑल जो व्यू है यहाँ पे। मैं जो व्यू की बात करती ना वो ये व्यू कह रहा था मैं, ये कुछ लोग हैं बिहारी बाबू, थके हारे लोग, इनसे चला नहीं जा रहा बिहारी और तुम पहाड़ पे चला नहीं जा रहा इनसे, मैं भी तो इंक्लूड हूं। इसे कहते हैं बुढ़ापा नजदीक होना, वो तो है ही भाई। दिस इज द जापानीज टेंपल, इसे बुद्धा टेंपल भी बोलते हैं। एक लोकल टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप आ सकते हो, घूम सकते हो थोड़ा टाइम के लिए। अभी हमें आने में लेट हो गए बट यहाँ से सनसेट व्यू अच्छा था होता, बट अब हम काफ़ी लेट हो चुके हैं तो ऑलरेडी सनसेट हो चुका है।
काफ़ी सारे सीढ़ियों के बाद हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा पहले आना चाहिए था यार, व्यू अच्छा होता, सनसेट होते हुए दिखता। अभी थोड़ा वेदर शार्प है, शायद आपको दिख रहा होगा वो पहाड़, दैट इज़ इन नेपाल। बुद्धा जी के टेंपल हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे माल रोड, थोड़ा यहाँ पे फोटो शूट करेंगे और फिर माल रोड। तो ये है दार्जिलिंग का माल रोड, ये माल रोड है। इसके बाद हम डायरेक्ट होटल वापस जाने वाले हैं। आज के दिन का और कुछ खास नहीं है, जो प्लानिंग है ना वो कल की है। कल हम यहाँ से थोड़ा सा टाइगर हिल जाने की सोचे हैं, वहाँ से सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है, वो भी लक की बात है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो दिखेगा, अगर क्लाउडी वेदर हुआ तो नहीं दिखेगा। और एक दो स्पॉट हम कल का बदल देंगे।